गेहूं की उन्नत खेती, खेत से खाद्य सुरक्षा तक। सुनो सुनो सुनो, आप सभी को लेकर चलते हैं किसान गोष्ठी में। भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। डॉक्टर साहब, ये गेहूं की बुआई का सही समय क्या है? जलवायु, मिट्टी और स्थितियों के अनुसार गेहूं की बुवाई दो समय पर की जाती है, जैसे कि अगेती बुवाई और पछेती बुवाई। बुवाई के समय के अनुसार ही गेहूं की किस्मों का भी चयन किया जाता है, जैसे कि अगेती किस्में और पछेती किस्में। डॉक्टर साहब, कुछ गांव की मिट्टी नमकीन है, तो क्या उनमें भी ये किस्में उगा सकते हैं? देखो, नमक से प्रभावित मिट्टियों के लिए भी कुछ नमक सहनशील किस्में इजाद की गई हैं। पर मिट्टी या किस्म कोई भी हो, बुवाई से पहले बीज का बीजोपचार जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यह बीजोपचार क्या होता है? बुवाई से पहले गेहूं की फसल को बीज से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए फफूंद नाशक से उपचार किया जाता है। और हाँ, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु जैसे ओजोटोबैक्टर से उपचारित करने पर उपज में बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर साहब, ये गेहूं की बुवाई कैसे करें? गेहूं की बुवाई कई तरीकों से की जाती है, जैसे कि छिड़काव विधि, सीड ड्रिल विधि और गेहूं सघनीकरण विधि। पर ध्यान रखें, फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए फसल को पानी, हवा और रोशनी बराबर मिलनी चाहिए। इसीलिए याद रखें ये जरूरी बातें। लाइन से बुवाई करें। सीड ड्रिल से बुवाई करने पर लाइन से लाइन में दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। और गेहूं सघनीकरण विधि में लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीनों विधियों में एक एकड़ में सबसे ज्यादा बीज छिड़काव विधि में लगता है, जिससे लाइनें भी नहीं बन पाती और उत्पादन भी कम आता है। डॉक्टर साहब, गेहूं सघनीकरण विधि के क्या फायदे हैं? गेहूं सघनीकरण विधि में बीज एवं खाद की मात्रा बहुत कम लगती है, क्योंकि केवल निश्चित दूरी पर ही बीज और खाद डाले जाते हैं और उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं सघनीकरण लघु किसानों के लिए उत्तम विधि है, परंतु इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। पर डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ धान गेहूं का फसल चक्र है और धान के बाद खेत तैयारी का समय ही नहीं बचता। देखो, जिन क्षेत्रों में धान या गेहूं का फसल चक्र अपनाया जाता है, वहां धान की कटाई के बाद खेत की जुताई किए बिना ही जीरो सीड ड्रिल से बुवाई की जाती है। अब बात करते हैं खाद की। गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा, जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय डालें। बाकी नाइट्रोजन को दो बार में बुवाई से 30 से 35 दिन पर एवं 75 से 80 दिन पर खड़ी फसल में छिड़कें। पर ध्यान रहे, नमकीन मिट्टियों में नमक के प्रभाव को कम करने के लिए यूरिया की जगह 25 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्शियम नाइट्रेट डालें, ताकि अधिक कल्ले निकले और उत्पादन बढ़िया हो। डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आ गया, पर हमारी खेती में पानी की कमी है, तो हम सिंचाई कब करें? गेहूं की फसल में वैसे तो 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है, पर अगर सिंचाई के लिए पानी की कमी है, तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद ताजमूल अवस्था पर और दूसरी 100 से 105 दिन बाद दुग्धावस्था पर करनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में लेजर लेवलिंग से 25% और माइक्रो स्प्रिंकलर अपनाकर 40 से 45% पानी की बचत भी की जा सकती है। अब बात करते हैं खरपतवार, कीट और बीमारियों के प्रबंधन की। खरपतवार फसल के विकास हेतु जरूरी तत्वों जैसे खुराक, पानी, हवा और प्रकाश के लिए प्रतियोगिता करते हैं, जिसका विपरीत असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए इनका नियंत्रण समय पर करना बहुत जरूरी है। गेहूं के प्रमुख कीट दीमक और माहू है। इसके अलावा गेहूं को चूहे भी नुकसान पहुंचाते हैं।
इसी के साथ अगर मौसम में कई दिनों तक बादल छाए रहे तो बीमारियों के पकड़ने की संभावना रहती है। देखिए, करनाल बंट और कंडुआ दोनों ही बीज से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, जिसके बचाव के लिए फफूंद नाशक से उपचार किया जाता है। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि फसल अब काटने के लिए तैयार है? अब बात करते हैं गेहूं की फसल की कटाई कैसे करें। गेहूं की फसल 120 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाली को दोनों हाथों के बीच रगड़ने पर अगर दाने अलग हो जाएं, तो फसल पक चुकी है और कटाई के लिए तैयार है। फसलों की कटाई के बाद सबसे जरूरी काम सुरक्षित भंडारण का होता है, जिससे उसे लंबे समय तक चूहों, कीटों, नमी और फफूंद आदि से बचाया जा सके और लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का निर्णय लिया है, जिसका दूसरा लक्ष्य भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और उन्नत कृषि को बढ़ावा देना है। कृषि में उत्तम तकनीक अपनाकर हम न केवल अपने देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर थाली में अनाज पहुंचा सकते हैं। देश की कृषि में निरंतर विकास में भागीदारी करने हेतु आप सभी कृषक बधाई के पात्र हैं। आइए मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा के लिए 1800-120-2575 और बिहार के लिए 1800-123-8550।